स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा जो होता है केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट्स फॉर्मूला इज एन एच सी थ्री सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं ये जो सोडियम बेकिंग सोडा होता है इट इज द मैन कॉन्स्टिट्यूएंट इन द बैकिंग पाउडर जो बैकिंग पाउडर होती है उसका ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिंट होता है बैकिंग पाउडर का जो बैकिंग पाउडर हम यूज करते हैं जैसे कि जो फूड स्टफ्स बनाने में लाइक ब्रेड केक एट्सट्रा वो अभी हम डिस्कस करेंगे तो ये तो हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन तो नाउ अबाउट मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं बैकिंग सोडा जो है इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं बैकिंग सोडा मैन्युफैक्चर हम अगेन करते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एक रॉ uh, मटेरियल है और भी इसमें लगता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे तो लेकिन जो मेथड है जिस मेथड से हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं उसे सोल्वे प्रोसेस भी कहते हैं दैट मैथड इज कॉल्ड सोल्वे प्रोसेस दैट मैथड इज कॉल्ड सोल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस इसमें जो रॉ मटेरियल्स हमें लगते हैं और रॉ मटेरियल्स डेट इज सोडियम क्लोराइड जैसा कि अभी मैंने कहा एंड अमोनिया एंड अमोनिया इसलिए इसे अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड और अमोनिया इसका मेन कॉन्स्टोन्ट है जो रॉ मटेरियल्स इसमें लगते हैं इसके बनाने में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मेथड में जो सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का ब्राइन जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं उसको हम सोडियम क्लोराइड इन वाटर दैट इज कॉल्ड ब्राइन उसे हम सैचुरेट करते हैं विथ अमोनिया उसके बाद रिएक्ट कराते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहां से बनता है एंड इट टेक्स डिफरेंट स्टेप्स इसमें डिफरेंट स्टेप्स लगते हैं जैसे कि पहले हम लिखेंगे जो अमोनिया है NH3 थ्री अमोनिया पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं अमोनिया को तो वहां से बनता है एनएच फोर एच सी ओ थ्री दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये देखिए आप यहाँ पे एन एच फोर अमोनियम हाइड्रोजन सी ओ थ्री कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जब हम पहले अमोनिया को वेन अमोनिया इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वी गेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेक्स्ट स्टेप जो अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एन एच फोर एच सी ओ थ्री दिस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एन ए सी एल एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड नाउ वट यू विल गेट इज Sodium hydrogen carbonate, that is sodium hydrogen carbonate, that is uh, baking soda, and you will get ammonium chloride, NH4Cl. So this is sodium hydrogen carbonate now, sodium hydrogen carbonate, and you get ammonium chloride, NH4 ammonium Cl chloride, NH4 Cl means ammonium chloride. तो आपको यहां पे बेकिंग सोडा मिला और सोडियम क्लोराइड भी मिला नाउ अगर आप ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करके एक ही रिएक्शन में लिखना चाहते हैं देन वी मे राइट इट अप इन वन स्टेप एज लाइक दिस एक ही स्टेप में हम लिख सकते हैं एन ए सी एल एन ए सी एल प्लस वाटर जो कि ब्राइन बनता है दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्लस और क्या हमें यहां पे लगता है रॉ मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैन अमोनिया एन एच थ्री अमोनिया भी वाटर भी कार्बन डाईऑक्साइड भी और एन ए सी एल भी ये हमारे पास रॉ मेटेरियल्स हैं तो इनके बाद हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं एन एच फोर सी एल एन एच फोर सी एल जो मैंने अभी कहा दैट इज अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल प्लस एन ए एच सी ओ थ्री दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अभी हमने ऊपर लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जब हम एक ही रिएक्शन में ये सब लिखते हैं दिस इज द मेन रिएक्शन जनरल रिएक्शन जब हम एक ही रिएक्शन में लिखेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा मिलता है फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स लाइक ब्राइन एन एंड वाटर व्हेन इट इज सैचुरेटेड विद अमोनिया तो अमोनिया एंड देन अलाउ टू रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड एंड यू विल गेट बेकिंग सोडा दिस इज द रिएक्शन फॉर इट नब इसमें जो ये अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज स्पेरिंगली सोलेबल इन वाटर लेकिन जो अमोनीय क्लोराइड है इट इज हाईली सोलेबल तो इसको अब ये जो सो अमोनीय क्लोराइड है दिस इज हाईली सोलेबल इन वाटर लेकिन यह हाईली सॉलेबल इन वाटर नहीं है ना तो इसको फिल्टर किया जाता है एंड देन इट इज ड्राइड सो इट इज फिल्टर्ड एंड ड्राइड इन दिस वे वी कैन गेट एट आफ्टर फिल्टरिंग एंड ड्राइंग और अब हम इसको स्मॉल स्केल पर भी लेबोरेटरी में इन आर स्कूल लेबोरेटरी प्रोड्यूस वी कैन मैन्युफेक्चर द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन ए स्मॉल स्केल और उसमें जो रिएक्शन लगती है ऑन ए स्मॉल स्केल ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ऑन ए स्मॉल स्केल जो हम इसको मैनुफेक्चर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन वी uh, that time we need in our labs sodium carbonate plus water plus carbon dioxide it will give us sodium hydrogen carbonate यह हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देगा तो लेबोरेटरीज में हम इसको ऑन ए स्मॉल स्केल प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट दिस इज सोडियम सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट को व्हेन वी अलाउ इट टू रेट विद द कार्बन डाइऑक्साइड

जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं सबसे पहले कलर एंड स्टेट अगर हम देखेंगे इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड तो अब दूसरी चीज इट इज स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर हाईली सॉलेबल नहीं है ये तो इसको जब वाटर में हम ये वाटर में जब ये डिजोल्व हो जाता है एन ए सी ओ थ्री प्लस वाटर इट गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और कार्बोनिक एसिड देगा एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए एन एच तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि जब ये जब हम इसको हीट करते हैं व्हेन इट इज हीटेड एन व्हेन सी ओ थ्री वैन बेकिंग सोडा इज ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज हीटेड वैन इट इज हीटेड तो ये क्या देता है सोडियम कार्बोनेट देता है वहां से एन ए टू सी ओ थ्री और देता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है इसीलिए ये जो सर्टन फूड स्टेप्स होते हैं लाइक like ब्रेड बनाना या केक्स वगैरह बनाना उनमें हमें सॉफ्टनेस चाहिए केक्स में या ब्रेड में और फ्लाफीनेस चाहिए तो इसीलिए हम ये यूज करते हैं इन बेकिंग जो बेकर्स होते हैं वो यूज करते हैं इसको बेकिंग पाउडर में क्योंकि इससे क्या हो जाता है एक तो केक आ, केक्स और ब्रेड्स वगैरह वो सॉफ्ट बनते हैं और फ्लफीनेस आ जाती है उनमें उनमें वो जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे इस निकलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो वो चढ़ना शुरू हो जाता है और पोर्स बन जाता है तो फ्लफीनेस आ जाती है रेज हो जाता है और जो डो है डो जिसे हम आटा कहते हैं वो रेज हो जाता है और वो पोरस भी बन जाता है इट्स बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन बिकॉज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग तो अब हम देखेंगे इसके यूजेस यूजेस में अभी एक हमने डिस्कस किया एक तो ये यूज हो जाता है इन मेडिसन्स इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है इन मेडिसन्स एज एंटी एसिड कभी कभार अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो एंटी एसिड्स हम दवाई दे लेते हैं उन एंटी एसिड्स में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज हो जाता है क्यों क्योंकि ये एज बेस का, का काम करता है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है एंड देन सेकेंड इट इज़ यूज एज एडिटिव इन फूड्स एंड ड्रिंक्स एज एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स जो फूड हम फूड स्टफ सर्टन फूड्स जो अभी मैं uh, बात कर रहा था और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें भी यूज़ हो जाता है और जो फूड्स होते हैं स्पेशली ब्रेड uh, या केक्स वगैरह जिनमें क्या सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है सॉफ्टनेस और फ्लफीनेस फ्लफीनेस की ज़रूरत होती है तो उनमें ये बैकिंग पाउडर के साथ ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज हो जाता है क्योंकि ये जब हीट हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उससे सॉफ्टनेस आ जाती है पोर्स बन जाता है हमारा केक या ब्रेड पोर्स बन जाती है और उसमें फ्लफीनेस वो चढ़ना डो जो है वो आटा जो है वो चढ़ना शुरू हो जाता है तो ये फूड स्टफ्स में भी यूज़ हो जाता है एंड देन इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है उनमें ऑलरेडी एक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है उनमें तो जब ये भी ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये भी इसमें डाला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आग को बुझा देता है सो इट एक्ट्स एज ए फायर एक्सटिंग फायर एक्सटिंग so these were some of the uses of baking soda or you can say sodium hydrogen carbonate uh, thanks for watching in our uh, next video we will inshallah discuss about the washing soda thanks